हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा एल्बो माइटर के बारे में, पाइप का एल्बो कैसे बनाते हैं माइटर कटिंग। तो ये रिक्वायरमेंट एक मोहम्मद आसिफ अकलाक भाई ने रिक्वायरमेंट किए थे कि हमको पाइप का एल्बो बना करके सेंड करिए, कैसे बनाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और हमारा मुश्किल काम बिल्कुल आसान होते जा रहा है। तो हर आदमी के पास एंड्रॉयड फोन है अभी तो, और आप अपने एंड्रॉयड फोन से इस तरीके का एल्बो आप कटिंग करके बना सकते हैं पाइप का। तो माइटर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप कटिंग करेंगे एल्बो में, एक एप्लीकेशन है उसके जरिए बिल्कुल आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं एप्स फ्लैट पैटर्न, इसका नाम है फ्लैट पैटर्न। मैं आपको इस एप्स का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इस तरीका का एल्बो आप कैसे बनाएंगे मोबाइल के जरिए और ये एप्स के थ्योरी से। तो इसमें जो आप देख रहे हैं एल्बो है, रिड्यूसर है, लेटरल टी है, और ये अनसेंटर टी ब्रांच है, और रिड्यूसर पे टी ब्रांच कैसे बनाते हैं और वाई ब्रांच कैसे बनाते हैं, इसमें बहुत सारा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एल्बो के बारे में, फिर बाद में इसके बाद ये रिड्यूसर और लेटरल के बारे में बता दूंगा और ये टी ब्रांच भी बता दूंगा किस तरह से बनाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। अब आप जो ये देख रहे हैं यही वाला फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या मार्किंग करना है। हम ये जो आर जो है रेडियस, यहाँ पे आर डालेंगे, और ये जो है डिग्री है, कितना डिग्री में बनाना है, और डी मतलब पाइप का बॉडी कितना है, और एस थिकनेस, यहाँ पे जो लिखा है थिकनेस, हम इसमें थिकनेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्टर और नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि कितना कट में आप काटना चाहते हैं और कितना सेंटर लाइन आप मारना चाहते हैं, फिर यहाँ पे कैलकुलेटर कर देंगे तो यहाँ पे सब आ जाएगा। तो मैं 10 इंच का बना के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 10 इंच का एल्बो माइटर में कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें आएगा। तो 10 इंच का एल्बो सेंटर हम ले लेंगे, 381 है, तो हम यहाँ पे 381 डाल देंगे, 381 हो गया। उसके बाद ए, यहाँ पे जो ए है डिग्री लेंगे 30 डिग्री, 45, 50, 60, आप जितने डिग्री में बनाना चाहें, 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 90 डिग्री में बनाना है। और यहाँ पे डी पे क्या डालेंगे, पाइप ओडी, पाइप का ओडी कितना है, यहाँ पे जो ये डी दिखा रहा है तो हम इसमें ओडी डाल देते हैं, 10 इंच का ओडी होता है 273, तो हम यहाँ पे 273 डाल देते हैं। और यहाँ पे थिकनेस, थिकनेस होता है, हम 40 शेड्यूल का लेते हैं पाइप, और इसका 9.27 mm थिकनेस होता है 40 शेड्यूल का, तो शेड्यूल के हिसाब से हम थिकनेस ले लेंगे 9.27 हो गया। और हम तीन कट में काटेंगे, सिर्फ ऐसा ही काटेंगे, 1, 2, 3 कट काटेंगे और 4 पीस आएगा, 2 मिडिल पीस आएगा और 2 साइड पीस आएगा, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और 8 सेंटर लाइन हम मारेंगे पाइप में, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये साइड पीस हो गया इस तरीके से, और ये हो गया मिडिल पीस। तो इसमें हम मार्किंग कैसे करेंगे, ये देखिए एक पूरा पाइप का शेप यहाँ पे दिखा दिया 828, और ये जो दिखा रहा है जो यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है, इतना एक एक सेंटर लाइन हम 103.57 mm पर एक एक सेंटर लाइन मारेंगे, जो 8 सेंटर लाइन आएगा। और H1 मतलब पहला यहाँ पे H1 ये दिख रहा है, H1 और H1 दो मार्किंग करना है, सेंटर से एक उधर और एक इधर, और इधर भी H1 रहेगा। और फिर यहाँ पे H2, ये वाला H2 रहेगा, फिर इधर भी सेम वैसे ही आएगा, यहाँ पे H2 रहेगा, फिर ये अपने H3 आएगा, ऐसे एक एक करके ये सब डालते जाना है 8 तक। एक दो जगह रहेगा, मतलब एक जब इधर मारेंगे तो वो दूसरा आके तो उधर एक ही मिलेगा, यहाँ पे एक से स्टार्ट करेंगे तो 8 सेंटर लाइन पर हम 8 मार्किंग दोनों साइड मारते जाएंगे, एक सेंटर मार देंगे और दोनों साइड बढ़ाते जाएंगे इस तरीका से पाइप पर। ये पाइप को मतलब कि पूरा ओपन करके दिखाया है फ्लैट में, तो इस तरीका से हम मार्किंग करेंगे पाइप पर, इसको हम जब राउंड कर देंगे तो ये पाइप बन जाएगा इस तरीका से, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा हम ये डाल देंगे, तो फिर ये आपको मिडिल पीस का हो गया। और इसमें भी उसी तरीका से डालना है, इसमें क्या करना है कि एक ही सेंटर से एक तरफ सिर्फ रहेगा, एक तरफ पूरा बराबर रहेगा। इसमें भी H1, H2, H3 लास्ट में यही वाला H1 जो है यहाँ पे है दिखा रहा है, तो H1 8 तक हम पूरा ऐसे ही लिख देंगे। और आपको ये 2 पीस बनाना है और ये वाला भी 2 पीस बनाना है, ठीक है। इस तरीका से एल्बो आप कोई भी डिग्री में बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना ए बी बी ए, यहाँ पे दिखा दिया है, ये ए है,
और ये पी है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये ऐप्स बहुत अच्छा लगेगा और आप ऐप्स को लोड करके आप सीखिए। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीका से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीका से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।